और देखो 2 बज गई, मतलब हम घर जाएंगे, हमें 3 बज जाएगी सोते सोते। अब खिसल रो रे आगे बटलू पड़ेगा इस पे, इसकी हालत देखो 2 या 3 राउंड में। हेलो भाई, मैं विवेक स्वागत करता हूँ आपका इस नए ब्लॉग में। जो मैंने कल बताया था कि आज चलेगा रोटावेटर, तो रोटावेटर फंसा लिया अपना विराट, मतलब यू 60 ब्लेड वाला दिखा, मतलब बताया जाए तो वैसे यू 60 ब्लेड वाला 60 HP, 48 ब्लेड वाला 48 HP, 50 HP, 35 HP भी चल जाएगा। एक आता है 54 ब्लेड वाला जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ट्रैक्टर के हिसाब से वही सही मैच होता है। बाकी ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें फ़ायदा ये है ट्रैक्टर पर तो थोड़ा सा लोड पड़ेगा लेकिन बारीक बहुत प्यारा करेगा, इसलिए 64 ब्लेड है, नहीं सोनी 60 है, 60 है, कन्फ्यूजन। ये तो छोटी है यार, ये एक हमारी लाइट उखड़ रही तो इसका इलाज करना पड़ेगा, इससे कर देता हूँ जरा। और रोटावेटर नू साडे पीछे जोड़ लिया है, साडे पीछे नहीं ट्रैक्टर दे पीछे, और असी चल पाए खेत दी तरफ। जिस खेत में अपन ने रात में किया था काम उसी खेत तरफ जा रहा हूँ, वहाँ का एक टुकड़ा तो मैं कंप्लीट करूँगा, उसके बाद इधर करूँगा। मतलब अपने को अभी थोड़ा थोड़ा ही करना है, थोड़ा थोड़ा करने में ये फ़ायदा रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सब दूर कर दूंगा तो एक बार बोनी हो जाएगी, मोटर चालू हो जाएगी। जब तक अपने पानी वाले थोड़ा थोड़ा भेजेंगे तब तक जो थोड़ा थोड़ा और बचेगा वो थोड़ा थोड़ा भी ख़त्म कर देंगे हम, ऐसे ही प्लानिंग है। सूरज मामा है, सूरज भैया या सूरज भगवान जो भी बोल दो, बाकी क्या प्यारे लग रहे हैं यार, ओए मस्त। और ये अपना खेत, ये पहुंचा अपना ट्रैक्टर काफ़ी लेट, अभी तो वो ऊपर वाला जो दिख रहा है टुकड़ा, इसको तो बखरना भी है, फिर इसमें रोटावेटर होगा। आज के लिए इतना ही को करना है, बाकी ये जो है इधर इसको तो भाई छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि अपने को दूसरे वाले में चलाना है। ये लो इसका गियर स्लिप हो रहा है, मतलब जो सेल्फ मोटर का गियर है ना वो स्लिप हो रहा है बार बार सेल्फ मार मार के। चलो इसकी सेटिंग करता हूँ और इतने को ख़त्म कर देता हूँ फटाफट से। इसकी हालत देखो 2 या 3 राउंड में, और मेरी भी। बाकी अगर पिसाई की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बारीक, मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हो, क्योंकि ऐसे ये है ये। अगर ये कम ब्लेड वाला होता ना तो अपने को यहाँ पे ये दिक्कत आती कि ये बारीक सही नहीं होता, बट ज़्यादा ब्लेड का यही फ़ायदा है, बारीक बढ़िया कर दे। अभी वैसे मैं इसको 2 लो में चला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नलवाई ज़्यादा है, जहाँ पे नलवाई कम रहेगी ना वहाँ पे 3 लो में चला देंगे, क्योंकि अपने को 14 इंची वो ना है। अगर ज़्यादा मैं स्पीड से चलाऊँगा और ये नलवाई बारीक नहीं हुई तो ये भाई कुल पे मैं दिक्कत दे सकती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा धीरे ही चला देता हूँ। फार्मिंग इधर देखो, साथ में सूरज देखो कितना प्यारा लग रहा, ये तो धोखा हो गया, मैं सोच रहा था कल्टीवेटर आगे होगा लेकिन यहाँ तोता खड़ा ना होगा, और फंसाना सबसे चुप माले। अरे यो तो आ गया तोता खड़े एक ही फंसा ही ले हो टेंशन खत्म, पूरी मट्टी जो खींच ली वो आई जाएगी एक बार में, यार सबके यही जाग हुए। मैं तो बे पीन है कि लू खेला में लू 744 साथ ना होगा तोता परफॉर्मेंस है ना होगा तोता तोता नहीं तो घंटी बैठ रहे गनागोर का ग्राउंड की तैयारी। तो खिसल रो रे आगे बटलू पड़ेगा इस पे, चार आदमी भी तो लटक गया। ये ग्राउंड को लेवल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है पर ये हो नहीं पा रहा। क्या लगता है ग्राउंड लेवल हो पाएगा? लगता है हो पाएगा। अरे अरे ट्रैक्टर ही रुको सही नहीं चल रहा क्योंकि ये जगह कम है यार, यहाँ पे ये गोल है ना तो इतना एकदम से ट्रैक्टर घूमता थोड़ी ना, इधर उधर जाएगी वो तो। अरे आशा में रात भर बराबर नहीं हो वो। उस वाले खेत से भाई सीधा फिर मैं आ गया यहाँ पे, मतलब वहाँ पे हमने रोटावेटर किया और फिर टॉबी और मैं आ गए। वैसे वहाँ पे पीछे भाई गनागोर का भी प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे मैं थोड़ी देर गया, वहाँ पे देखा
फिर भाई अपने काम पे वापस लौट गए, क्योंकि इसको ख़त्म करके कल अपने को बोना भी है, एक तो जिसमें पहले में करके आए वो वाले खेत में, दूसरा इसमें, और तीसरा इस वाले में भी बोना था, बट रात में इतना ही रोटावेटर हो सकता है, क्योंकि अभी अगर टाइम की मैं बात करूँ ना तो 11:30 बज गई, और यो भाई अभी हुआ है आधा, यो खेत थोड़ा बड़ा है तो ये होते होते तो 1 या 2 बज जाएगी। टॉमी की भाई बिल्कुल नज़र है काम के ऊपर कि काम कैसा क्या चल रहा है, बाकी 2-3 दिन की और बात है, 2-3 दिन में हम सारा काम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि फटाफट से अपने मूंग बड़े हो जाए और अपन जल्दी से काट ले पानी आए उससे पहले। रात के 1:08 और अभी भी यो यहाँ तक रहा खेत, मतलब उधर से तो चौड़ा है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, 2:30 तो बजेगी बजेगी, बाकी फिर भी भाई रात में नलवाई कम चूर होती है, जैसे दिन दोपहर के टाइम पे होती है ना वैसी नहीं होती, क्योंकि ऐसे हो जाती है USA, बेचारा रोटावेटर चूर नहीं कर पाता इसको। सारा काम भाई साहब ख़त्म कर दिया, चंदा मामा कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और देखो 2 बज गई, मतलब हम घर जाएंगे, हमें 3 बज जाएगी सोते सोते, वही जो उस दिन हुआ था ना वही टाइम। और एक तो भाई हमारे साथ टॉमी मेरे साथ आ गया था, अभी अकेला घर तो जाएगा नहीं, तो इसका बेचारे का वैसी रात का इधर वो हो गया गड़बड़, ठंड लग रही और अलग ओख है, वो देख वो आ गया तो वो जाएगा भी हमारे साथ, अकेला जाएगा भी नहीं। चलो नेक्स्ट मॉर्निंग, आज फिर से अपना जो ट्रैक्टर है वो तो चल रहा है, रात को हम लेट सोए थे तो उस कायदे से हमें अभी सोना चाहिए, लेकिन हम सोते नहीं हैं क्योंकि हम रात में चमगादड़ है और दिन में उल्लू, नहीं रात में उल्लू तो रात में जगह, चमगादड़ भी रात में ही जगह है, दिन में बंदर है, गजब पे थोड़ा सा घूम के आते हैं, बाकी अपना रोटावेटर तो चल रहा है, मतलब 4 से 5 दिन अभी और, 4 दिन तो मान के ही चलो, 4 दिन तो और ऐसे ही अपनी मोर बनी रहेगी, जिसमें हमें समझ नहीं बैठेगी करना क्या है, अभी तो मोटर चालू कर लूँ उनमें भी पकड़ी होगी। खैर मिलते हैं भाई थोड़ी देर बाद। पूरा गाय देख तू, मतलब इतनी गाय, इतनी तो शहर में ट्रैफिक में बोल ही रहे गाड़ी हो, गौशाला की है शायद, ये तो चौकी रहेगा शायद पूरा सिस्टम। भाई हम सीधा आ गए चारवा मेला, जो देखो क्योंकि खेत में बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहे थे, घर वाले बहुत ज़्यादा काम करा रहे थे रात में 2-2, 3-3 बजे रात तक, तो भाई हम पे एक ही ऑप्शन था कि फरार हो जाओ, फरार हो के आए कहाँ मेला, एक बार झूला झूलेंगे कि नहीं झूलेंगे, हरम हिम्मत नहीं है झूलने की, हरम हिम्मत नहीं तो मतलब राई झूलो झूल तो भाई एक बार मज़ा आ जाता, वो है झूलो वो देखो, ये झूले पे बैठूंगा मैं, पलक गाड़ी लेके फरार होने की कोशिश में, मजा तो खोलू इनका है देख ले थार, ओ इस पे बैठूंगा मैं तो, हाय हाय गोलू भाई साहब, यो स्नैपचैट वालों का भी कोई इलाज नहीं है, कहीं इनका इलाज निकल नहीं पा रहा, अब ये भेजेगा फिर पता चले इसकी कोई आ जाए यहाँ पे, औरत का चक्कर बाबू भैया औरत का चक्कर, ये वो घूम घूम के कपल वाला, पर क्या करो यो तो बेचारा कपल ही नहीं है, वही तो अकेला आदमी है क्या ही कर सकता है, हालांकि इच्छा इसकी पूरी है बट क्या करो। हम आ रहे थे बाहर लेके क्योंकि मूंग का सीजन खतरनाक चल रहा, अब मैं इसको चला रहा था ऐसा मेरे को फील हुआ कि ये पंचर हो गई, फिर आवाज भी आने लगी तो यो सही में पंचर हो गई, और वो भी अपने घर से कितने दूर पंचर हो गई है धोखेबाज, अरे बहुत दूर है अभी 20 किलोमीटर दूर है अभी, 40 किलोमीटर हमारे साथ धोखा हुआ, और जो जो हम एरिया में है ना, मतलब जैसे अपना एरिया तुमने देखा होगा चलता फिरता, यहाँ भाई चलता फिरता एरिया नहीं है, सुनसान देख रहे हो, सुनसान वाले हम इलाके में, मतलब यहाँ ज़्यादा थोड़ा शहर सा नहीं गाँव सा है अंदर 40 किलोमीटर, और यहाँ कोई नहीं है, हम 2 बालक और हमारी पंचर गाड़ी, बताओ हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया, पर हो गया तो हो गया, तभी तो लोगों के रात वात में ना निकलना गुरु ऐसे एरिए में, मिलता हूँ भाई सुबह तुमसे, रात ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग और आज भी सेम मूंग की वैरायटी सम्राट, यो देखो सम्राट, और ये मूंग बोने वाले आदमी जिन्होंने एक खेत में बो क्या चास सीधा है बिल्कुल, कोलपा चल जाएगा तो दवाई छिटना वालो नहीं तो पता चल हूँ कर दे, और इधर से ये सारा मूंग और मूंग इधर मिला रखा है, सम्राट सम्राट की बोली चल रही क्योंकि वो है लेड वैरायटी, तो पहले बुआएगा ये फिर बुआएगी दूसरी वैरायटी, अभी एक ही वैरायटी का प्रोग्राम चल रहा है, और आज ये वाले खेत मतलब इसमें तो अपन ने रोटावेटर नहीं किया, इसके दूसरे साइड जो किया है
उसमें चले गया आज बोनी बोनी का काम है ना, बोनी बोनी का काम देखेंगे, नहीं तो रात में फंसाएंगे फिर रोटा बेटर। दिन में बोनी बारह बाद नहीं, यू तो काफी समय लगा हुए मैं तो बॉडी पे। अरे नहीं हो गुरु, निपटाओगे क्या, निपटाओगे क्या बच्चे को, निपटाओगे क्या, क्यों निपटा दो, इंजन बदल देंगे। पुन्ना जी जी का जो बाईपास बड़ा अच्छा लगे, बाबा जी की बूटी सही बात है। बाकी इधर धार का काम चल रहा है बहुत ही, एक ट्रॉली लगभग खाली होने वाली है, फिर उसको लगाएंगे, फिर इसको लेके चलेंगे क्योंकि इसमें है मूंग, और मूंग छोड़ना है अपने को 855 के पास। और चल रही भाई गेहूं की साफ सफाई, और सूत्रों से पता चला है कि अपने ट्रैक्टर ने भाई जितनी बोरियां थी वो कर दी खत्म, तो मेरे को 6 बोरी लेके खेत में पहुंचना है क्योंकि मूंग की कमी पड़ गई, और मूंग की कमी पड़ने नहीं देना दादा। 4 तो रखी है ट्रैक्टर के ऊपर, 2 और रखवाता हूँ और फिर फटाफट से भाई यहाँ से लेके खेत की तरफ चलते हैं। इतना काम भी लगभग हो ही गया, फिर दूसरी ट्राली लगाना। प्रेम भैया 2 बोरी और रख दो, 2 और रख ला, 4 रखे ले, 2 और बोले 6 बोरी। हाँ कहीं भी रख दो, वहीं और कहीं जगह तो है ही नहीं। मैं रख ली भाई 6 बोरी और चल दिए, वो चल रहा रेड हल, वो चल रहा उसके पास, और इसके जो मटगाड़ के नट वट टूटे और ढीले हुए ना वो भाई इन्हीं चक्करों में, क्योंकि हमारे घर वाले इस पे इतनी ही है ऐसे बोरी रखे इसके मटगाड़ पे इतना वजन कि भाई इनके नीचे से नट बोल्ट ढीले कर दिए। देखेंगे टाइट करेंगे इनको। सिडिल रिफिल का काम चल रहा है। बाकी इधर अगर पड़ोसी भैया के तुम्हें खेत दिखाऊं तो उसमें मूंग भी उंगे, देखो मूंग यो छोटा सा मूंग, छोटा छोटा अभी तो उंग रहा मतलब भी उंगेगा, और उन्होंने शायद फुहारा से पानी दिया है, देखो अपन तो रेलवा देते हैं मतलब मोटर से सीधा, इसमें फुहारा दिया हुआ शायद कर ज़्यादा होगा इसलिए, या फिर पता नहीं जो भी इनकी समस्या रही होगी। बाकी आज के इस ब्लॉग वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। अभी तो भाई यो बोनी का इतना और रहा, 4 ट्रैक्टर से लेके ये मेरे तक, वो वाली जो लीम का पेड़ दिख रहा वहाँ तक, उधर तो बो दिया वो वाली टपरी तक, तो हो गया भाई खेल ख़त्म। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जय राम जी की, धन्यवाद।